उभर आएगी। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं स्टार्टअप में विशेष ध्यान दिया जाए जिसमें छोटे व्यापारी हैं उनको फ़ायदा मिल सके, और हम चाहेंगे कि जो GST जो रेशो है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेरबदल किया जाए। हमें बहुत उम्मीदें हैं जिस प्रकार से ये जो भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार आई है जो लोगों ने चुन करके लाया है, तो हम देखना चाहते हैं कि हम युवाओं के लिए इसमें क्या खास रहेगा, जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं क्या उसे वो पूरा करते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से युवा जो है यहाँ पे तैयारी तो कर रहे हैं बट किसी भी प्रकार की भर्ती या कोई भी ऑप्शन हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। डबल इंजन का सरकार है और पिछले बार की अपेक्षा इस बार देखने को मिलेगा कि जैसे पिछले बार अच्छे से छोटे व्यापारियों को देखा गया था, इस बार उम्मीद है कि छोटे व्यापारियों के खास को ध्यान में रखते हुए, उनको व्यापार को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा किया जा सके। माने छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी के लिए माने सेंट्रल का जो बजट आएगा वो सबके लिए समान रहना चाहिए, जिसमें बेचारा गरीब आदमी इधर ये नहीं कि बजट अच्छा नहीं रहा, बजट ऐसा रहा कि उनको भी बेचारे को संतुष्ट रहे कमाने खाने के लिए भी, कि वो बेचारा अपना व्यवसाय कर सके और किसी प्रकार उनको वो ना हो करके। उम्मीद है ऐसा है कि इस बार हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा सुविधा मिलेगा, बजट हमारे लिए भी कुछ लाया जाएगा कि छोटे व्यापारी लोगों को लोन उन की सुविधा अच्छे से हो सके। मार्केट एकदम धीमे चल रहा है, हो सकता है मार्केट उठे, उस हिसाब से देखते हुए लग रहा है कि होगा इस बार। छोटे व्यवसायी को पिछली सरकार ने भी ध्यान रखा था तो इस बार भी उम्मीद है कि ये सरकार भी छोटे व्यवसायियों का ध्यान रखेगी, और छोटे व्यवसायियों के लिए एक अच्छा वो हो सकता है कि उनको थोड़ी आसानी हो, लोन मिले तो वो कुछ अपना अच्छा कर सके, और अभी मंदा चल रहा है तो बजट के बाद ऐसी उम्मीद है कि थोड़ा छोटे व्यवसायियों पर ध्यान रखा जाएगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। व्यापारी वर्ग हो चाहे युवा वर्ग हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, और जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उसको बस अमल में लाने का प्रयास करें और आम जनता को ध्यान में रख के बजट पेश करें, सभी वर्गों को लाभ मिले, उनमें से जो सामान्य वर्ग है उनको ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, जो मिडिल क्लास है और जो बच्चे हैं, जो लेडीज़ें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा है। ये सरकार का बजट जो पेश होने वाला है उसके लिए हम जनता यही चाहेंगे कि बच्चों के लिए पढ़ाई का और स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा आजकल स्वास्थ्य को लेकर ही परेशानी है, गाँव या सिटी हो कहीं पर भी स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा दिक्कत हो गया, जो कि इलाज सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, बेरोजगारी, रोजगार, जो बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, और बजट जो है आम जो रसोई में जो पड़ रहा है आम महिलाओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसमें थोड़ा से शीतलता लाना चाहिए। उम्मीद तो हमेशा बजट पेश होने के पहले नागरिकों की रहती है, उसी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाता है, इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, और क्या जो सभी वर्गों के लिए स्थान इसमें सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ के एक आम नागरिक होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत अच्छा जनहित का बजट सरकार पेश करेगी। चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी की ने घोषणा किया था, वो सभी घोषणाओं को धीरे धीरे पूर्ण किया जा रहा है, और वो सब घोषणा है उसको पूरा किया, और जो बजट है आम जनता, युवा, महिला, सभी वर्ग को लेकर ही इस घोषणा में बजट में लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा विकास के लिए, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बोला जाए तो प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, टीचर्स की कमी रहती है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे पिछड़ जाते हैं, 5वीं 10वीं तक पढ़ के फिर से छूट जाते हैं, लगभग जैसे 12th भी ऐसे तैसे करके पास हो जाते हैं, उसके बाद जैसे कि बेरोजगारी भी आ जाती है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ऐसा सरकार को उसके लिए देखना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की भी एक योजना बनानी चाहिए। सर अभी बजट पेश होने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार की, तो उसके संबंध में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे बस्तर संभाग में जितने भी यूनिवर्सिटी, मतलब जो बस्तर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन कॉलेजों में कई सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ की स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन, मतलब अपना डिग्री अचीव करने के लिए बाहर जाते हैं। ठीक है, तो मैं अभी जो सरकार आने वाली है, मतलब सरकार जो आई, मतलब बजट आने वाली है, वो बजट से मतलब यही आशा रखूँगा कि बस्तर संभाग में कॉलेजों में कुछ ऐसी मतलब फैसिलिटी रखना चाहिए जिसकी वजह से स्टूडेंट बाहर पढ़ाई कर ना जाए। जैसे अभी BJP की सरकार बनी तो बजट अभी चल रहा है सेशन, तो युवाओं के लिए कुछ सोचना चाहिए, जैसे पहले बेरोजगार भत्ता दिया जाता था युवाओं को, तो उससे अपना जो जो नेसेसिटी है जो कंप्लीट कर लेते थे, तो अभी जैसे महिलाओं के लिए मातृ वंदना योजना लागू किया, वैसी
युवाओं के लिए, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को? नहीं देखिए, बस्तर के युवाओं के लिए ना जिस तरह से होना चाहिए उसके मैं आधारित मैं देखना चाह रहा हूँ। जैसे ना बस्तर के युवा हमेशा से मतलब जल जंगल जमीन से आधारित रहते हैं, जिसमें हमारे युवाओं को जो लोन मिलना चाहिए उस पर सरलीकरण होना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं जितना बस्तर वन उपत्य आधारित है, जितना वन उपत्य छोटी छोटी कुटीर उद्योग होना चाहिए जिससे ना युवाओं का एक मतलब कुछ होना चाहिए, इस पर सरकार को उम्मीद है। और साथ में हमारे युवाओं को लेकर बस्तर से जो हमेशा हम मांग करते आ रहे हैं स्थानीय भर्ती को लेकर, अब सरकार इस पर भी गंभीर होकर अपने बस्तर की युवाओं के लिए देना चाहिए। ये बजट में जो हम चाहते हैं सबसे प्रमुख चीज़ें हैं कृषि, स्वास्थ्य है, रोजगार है और शिक्षा। कृषि में जैसा इन्होंने वादा किया है सरकार आने से पहले, जिस पे हमने वोट किया कि 3100 रुपये धान का देंगे, तो वो चीज़ बजट में होनी चाहिए। दूसरा, फसलों का उचित मूल्य जो कि MSP है, अगर वो सभी फसलों का निर्धारित हो जाए तो किसानों की आत्महत्याएं घट जाएंगी और उनका जीवन शैली सुधरेगी। भी जो बजट आने वाला है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को देखने की आवश्यकता है। और हम बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखें तो आज के समय में ऐसा आ चुका है कि आदमी जब बीमार पड़ता है तो स्वास्थ्य केंद्र में जाने के लिए हिचकिचाता है। आने वाला बजट एजुकेशन के लेवल में जैसे युवाओं को सोचते हुए युवाओं के फील्ड में जैसे वैकेंसी हो, नौकरी हो, ये सब एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा आजकल बहुत बेरोजगार हो गए हैं। सभी कर्मचारी की एक ही मांग रहती है, महंगाई भत्ता। जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार केंद्र कर्मचारी और राज्य कर्मचारी के बीच में जो अंतर है उस अंतर को दूर करने के लिए राज्य सरकार केंद्र के बराबर हमारे को महंगाई भत्ता दे, ये आशा रखते हैं। एक गृहिणी होने के नाम से ये रखते हैं कि अभी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ते जा रही है, सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है, खाद्य सामग्रियों का दाम बढ़ते जा रहा है, उसमें कुछ रियायतें मिलें ताकि गृहिणों को भी उनसे महंगाई से अपने उतनी मार ना पड़े। सारी चीज़ें सस्ती हो जानी चाहिए, बहुत महंगाई है, गैस महंगा है, राशन महंगा है, हर चीज़ महंगा है, बच्चों की शिक्षा भी बहुत महंगी है। कर्मचारियों के हित में उनको फैसला लेना चाहिए या सोचना चाहिए, कुछ अनुकूल चीज़ें हम लोग के लिए लानी चाहिए। अब जैसे हम लोग का टाइमिंग भी बढ़ा दिया गया है 10 से 5:30, तो वो सब के लिए भी सोचना चाहिए। हम लोग को बेसिकली ये उम्मीद है कि इस बार का जो बजट आए वो ऐसा शिफ्ट होना चाहिए जिससे कि हमारे जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ केयर सेंटर्स हो, वो ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ पुराने टाइम्स में आता है, मतलब पुराने स्टेट्स में रहता है, तो बजट ऐसा फिक्स होना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर सब में बजट को ज़्यादातर यूथ में फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है और सारे लोगों को वो अफोर्डेबल होना चाहिए। बजट अफोर्डेबल होगा तो इससे सबको फ़ायदा है, सब लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और यूथ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यूथ हमारा फ्यूचर है। जब से मैं सुना हूँ कि यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का कल से बजट पास होने वाला है करके, मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ और कुछ बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस भी है कि हाँ हमारे लिए सरकार ये सब करेगी, देगी बोल के। एज अ यूथ हमें पता है कि देश की प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे कंट्री की, हमारे स्टेट की प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है जो है अनएम्प्लॉयमेंट की।